Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों, याद होगा कि हमने last class के अंदर अपने पास किया था types of economy. उसके अंदर हमने अपने पास क्या-क्या चीजें पढ़ी थी? कि हमारे पास तीन type की economy होती है. याद आ रहा है? Capitalist economy, socialist economy और mixed economy. ठीक है? But आज के इस session में हम बात करेंगे कि कौन सी economy हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी और कौन-कौन से वो world की countries हैं जिन्होंने अलग type की economy को accept किया और क्यों किया? हम उनके reasons को भी जाने मतलब आज की क्लास पूरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. लास्ट क्लास बिल्कुल थ्योरेटिकल थी जिसमें हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स डीमेरिट्स मतलब प्रो और कॉन्स, हमने सोशलिस्ट के पढ़ा मिक्स्ड के, बट आज में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि क्यों हमारे लिए मिक्स्ड या क्यों हमारे लिए सोशलिस्ट या क्यों हमारे लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा जरूरी है. इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और आपके पास जो डीप थिंकिंग एनालिसिस है उसको हम बढ़ाने पर पूरा फोकस करेंगे. ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको, बात यह उठती है कि क्वेश्चन है हमारा विच इकॉनमी इज बेटर, कौन सी इकॉनमी हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमारे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने साफ साफ बोला कि भाई ऐसा है कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते गवर्नमेंट का इन्वॉल्व हो. मतलब ये कहते थे कि जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, पीपल्स रह रहे हैं, ये इकॉनमी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है. ठीक है, यानी पीपल्स को पूरा फ्री कर दो, फ्री फ्लो कर दो, पूरे अधिकार दे दो, ये अपने तरीके से काम करेंगे. जिसके पास जितना पैसा है वो उस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा या उस तरीके से प्रोडक्ट अपना खरीदेगा. तो इन्होंने जो नींव रखी एडम स्मिथ ने वो रखी कैपिटलिस्ट इकॉनमी के, जिसके प्रो और कॉन्स हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ऐसा फील होने लगा कि इस इकॉनमी के अंदर सोसाइटी के सोशल वेलफेयर वाली चीज़ें एक भी नहीं की जा रही है. गरीबों को पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया जा रहा है. यहाँ पे एक कर्व बन के आ रहा है और वो कर्व बिल्कुल के शेप का बनकर आ रहा है. के शेप का क्यों बन के आ रहा है कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है, जो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट था. जिसके बाद हमारे एक प्रोफेसर थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि एक ऐसी इकॉनमी होनी चाहिए जिसमें डिसीजंस गवर्नमेंट सेक्टर ले, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भैया सोशल वेलफेयर पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो भाई साहब भूल ही जाओ कि कोई सोशल वेलफेयर की भी बात करेगा. तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि सोसाइटी के अंदर क्या हो पाए, सोशल वेलफेयर हो पाए. ऐसा किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा. कार्ल मार्क्स ने साफ साफ बोला कि देखो तुम अमीरों के लिए काम करते रहोगे, किसको बोला, गरीब जनता को, तो ये तुम्हारा खून चूस लेंगे. तुम गवर्नमेंट के आगोश में आ जाओ, गवर्नमेंट तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी. इसे नाम देगा सोशलिस्ट इकॉनमी. लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट पता है क्या हुआ, कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल इशूज पर भी फोकस करने लगी. लोगों के जो पर्सनल इशूज हैं उनमें भी इंटरफेरेंस डालना शुरू कर दिया. लोगों की पर्सनल लाइफ के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए. मतलब कुल मिला के ना तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी ज्यादा बेहतर है ना ही सोशलिस्ट इकॉनमी बेहतर है. और भैया सोशलिस्ट इकॉनमी तो पिट गई सन 1930 के अंदर. क्यों पिट गई, क्योंकि अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आया जिसमें अमेरिका की बहुत सारी जो बैंक्स है वो फेल हो गए. तब पता चला कि भैया अमेरिका की इकॉनमी जो है पूरा लूप मतलब कोलैप्स हो गई, जिसके चलते उसका इंपैक्ट बाकी वर्ल्ड इकॉनमी पर भी पड़ा. तब हमारे यहाँ पर प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केनीस, जेएम केनीस आए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा मिक्स्ड इकॉनमी का. अच्छा, मिक्स्ड इकॉनमी को हम हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, हम हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर दोनों के फीचर पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट के भी और सोशलिस्ट के. इन्होंने कहा भाई ऐसी इकॉनमी होनी चाहिए जिसमें जो पब्लिक गुड्स हैं यानी जो नेसेसरी चीजें हैं उस पर राइट किसको दे दिया जाए, गवर्नमेंट को दे दिया जाए. मतलब जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं वो सारे अधिकार किसको दे दिया जाए, गवर्नमेंट को. जैसे प्राइमरी एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो हर किसी की होनी चाहिए. जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन में भी जो बेसिक एजुकेशन है उसकी बात करें, हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो ये जितनी भी नेसेसरी चीज है ना वो सारी चीजें किसके कंट्रोल में कर दिए जाए, गवर्नमेंट के. यानी सारी नेसेसरी आइटम पब्लिक गुड्स में आ जाएंगी और नॉन नेसेसरी आइटम प्राइवेट गुड्स में चलेंगी, जिसपे किसका कंट्रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा. और प्राइवेट सेक्टर उन सेक्टर्स में जाते हैं जिनमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, जैसे इंटरनेट, जैसे टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, इन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर्स का होता है. आई मेरी बात समझे, चलो ठीक है. तो इस तरीके से इन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकॉनमी. दोस्तों देखो, मैंने आपको तीनों इकॉनमी पढ़ा दी है, बट पॉइंट ये उठता है कि सर कौन सी इकॉनमी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी किसी भी इकॉनमी के लिए. जैसे हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, क्योंकि देखो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इंडियन इकॉनमी, हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इंडियन इकॉनमी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया के लिए कौन सी जो है वो बेहतर होगी. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम पता लगाएंगे कौन सी इकॉनमी बेहतर है. देखो सबसे पहले तो अगर इंडिया में हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी को यूज कर दे, एक टाइम के लिए सोचो, अगर हम कैपिटलिस्ट इकॉनमी अगर इंडिया में अप्लाई करवा दें तो क्या लगता है, इंडिया के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रिच है पुअर है,
अगर आप इसमें लॉरेंस कर्व बनाओगे तो लॉरेंस कर्व जब बनेगा तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर रिच पर्सन ज्यादा है और पुअर पर्सन ज्यादा है और रिच पर्सन कम है, तो कैपिटलिस्ट तो भैया इंडिया को बेड़ा गर्क में डाल देगा। अगर हम प्योरली सोशलिस्ट कर देंगे तो भैया गवर्नमेंट तो भैया पूरी जगह इन्वॉल्व होगी, 135 करोड़ की इंडिया की आबादी है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में हमने क्या किया, अपने पास मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को अपनाया जिसके बाद हमारी इकोनॉमी में कई सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले। लेकिन 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 इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अब वो रीज़न समझाने के लिए मुझे आपको चाइना की केस स्टडी बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप चाइना की केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो उतनी ही ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो चलो मैं आपको चाइना के बारे में बताता हूँ कुछ चीज़ें। चाइना दोस्तों, इस वाले पॉइंट को पढ़ने के बाद ना आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। और हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या करनी है, अपनी एप्लीकेशंस को सुधारना है, ठीक है, अपनी जो पावर है मतलब समझने की जो क्षमता है इकोनॉमिक्स को वो बढ़ानी है। चलो एक बार बात करते हैं इसकी भी। क्या होता है, हमारे चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, अपने यहाँ पर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट को अपनाया। चाइना ने अपने यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया। जब चाइना ने सोशलिस्ट इकोनॉमी का समर्थन दिया तो ये पाया गया कि चाइना में भी सेम वही सिचुएशन है कि गवर्नमेंट अब हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने लगी। आप जानते हैं जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी वगैरह कई सारे ऐसे फ्रेम मतलब प्रोग्राम्स चलाए गए जिसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता था कि चाइना पूरी तरीके से डोमिनेंट पोजिशन रोल प्ले कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो है चाइना की वो डोमिनेंट पोजिशन प्ले कर रही है। तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक प्रोफेसर आए जिसका नाम था ऑस्कर लेंगे। ये जो प्रोफेसर थे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई कोई भी इकॉनमी जो है वो दो चीज़ों का सिस्टम होना चाहिए। जैसे मिक्स्ड इकॉनमी है ना कहीं उसी को इन्होंने सपोर्ट करते हुए उसको बेस बनाते हुए कुछ इन्होंने इन्वेंशंस किए। इन्होंने कहा कि ऐसा हो कि कुछ काम तो हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें कि भैया इस जगह तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा और कुछ चीज़ें ऐसी कर दे जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा। अब आप कहोगे सर ये तो मिक्स्ड इकॉनमी होता है, हाँ बिल्कुल सही कहा मिक्स्ड इकॉनमी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब क्या हुआ, इस प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने नाम दिया मार्केट, इस प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने क्या नाम दिया मार्केट का नाम दिया, और इस गवर्नमेंट सेक्टर को इन्होंने नाम दिया सोशलिज्म। क्या नाम दिया, सोशलिज्म। तो यहां से एक नया वर्ड निकल के आया, दैट इज मार्केट सोशलिज्म। क्या निकल के आया, मार्केट सोशलिज्म नाम का एक वर्ड निकल कर आया जो चाइना ने एक्सेप्ट किया। मैं आपको एक बड़ा ही अभी एक लेटेस्ट करेंट अफेयर बताता हूँ। वो करेंट अफेयर ये है कि आपने अभी सुना होगा कुछ टाइम पहले जैकमा जो बहुत ही मतलब चाइना का रिचेस्ट पर्सन नंबर वन पे आया, तो जैकमा की जो कंपनी है उसको ये खरीदना चाहते हैं, मतलब जैकमा की उस कंपनी को क्या करना चाहते हैं, ये नेशनलाइज्ड करना चाहते हैं। तो देखो ये जो इनका डिसीजन है अभी रिसेंटली 2021 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2021 में ये डिसीजन लिया गया। ये डिसीजन कहीं ना कहीं ये बताता है कि गवर्नमेंट देखो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन जहाँ पर उन्हें लगता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ से बाहर चीज़ें जाती आ रही है उनको वो अपने पास क्या कर लेगा, प्राइवेटाइज कर लेगा या अपनी अंडरटेकिंग में ले लेगा। तो यानी कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया दैट इज मार्केट सोशलिज्म। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया, मार्केट सोशलिज्म को फॉलो किया कि कुछ चीजें हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे और जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट सेक्टर भी उसमें क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने मार्केट सोशलिज्म में क्या क्या चीजें बोली, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम अलाउ करेंगे FDI को, यानी कि अगर कोई फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट चाइना में करना चाहता है तो वो आसानी से अपने चाइना में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो इन्होंने FDI को अलाउ कर दिया। दूसरा इन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ जो किया वो इन्होंने किया अलाउ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने यहाँ बोला ना मार्केट का मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना, तो इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया और इन्होंने कहा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। देखो चीज़ें तो बहुत सारी बट मेजर जो पॉइंट है मार्केट सोशलिज्म के वो ये दो है कि इन्होंने FDI को अलाउ किया, इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया। जब ऐसा देखा तो पाया कि भैया चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, चाइना की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब चाइना ने पता है एक बात बोली, चाइना ने एक बात साफ साफ बोली कि जितनी भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है उनके में रिफॉर्म लाना बहुत ही इजी टास्क है। मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकॉनमी रिफॉर्म लाना चाहती है तो इट बिकम वेरी इजी, ये बहुत इजी है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी में कौन लोग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो जब आपके पास प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है तो उनके लिए रिफॉर्म लाना एक बहुत ही ईजी टास्क है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकॉनमी की, जहाँ पर सरकारें आती हैं, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कम कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, वहाँ पर रिफॉर्म लाना इतना ईजी टास्क नहीं होता, नॉट ईजी, ये ईजी नहीं होता। इस वजह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया दैट इज मार्केट सोशलिज्म। क्या स्टार्ट किया, मार्केट सोशलिज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है मार्केट सोशलिज्म का, मैं आपको बता दूं ये हाईली सक्सेसफुल प्लान रहा,
ये चाइना का जो है वो हाईली सक्सेसफुल प्लान रहा, हाईली सक्सेसफुल प्लान रहा चाइना का, जिसके बाद से चाइना बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने लगा। ठीक है, अब मैं आपको चाइना के कुछ लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। अब चाइना में क्या था, चाइना के जो फादर माने जाते हैं, कहते हैं ना कि जैसे हमारे जो फादर है वो गांधी जी हैं, ठीक है, इंडिया के, ठीक उसी तरह से चाइना में, चाइना के अंदर क्या होता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, जानते हो किसको बोलते हैं आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट करो कि फादर ऑफ मॉडर्न चाइना किसे बोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, चाइना के अंदर फादर ऑफ मॉडर्न चाइना माना जाता है ये पर्सन है, मतलब प्रेसिडेंट वहाँ के थे, मतलब हैं क्या, माओक ज्यूलोंग्स। इन्होंने कहा था कि मैं चाइना को 1950 तक इतनी अच्छी इकोनॉमी बना दूंगा कि चाइना का नाम वर्ल्ड में काउंट किया जाएगा। इन्होंने कुछ प्लान्स चलाए, इन्होंने क्या किया, सन 1950 में एक प्लान चलाया जिसका नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में ये पॉइंट पढ़ा हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इन्होंने एक और प्लान चलाया जिसका नाम था ग्रेट कल्चरल प्रोग्राम, ग्रेट कल्चरल प्रोग्राम। जानते हो ये दोनों प्रोग्राम क्यों चलाए गए, उसके पीछे मकसद था चाइना को प्रॉस्पीरियस इकोनॉमी बनाना, चाइना को ऊंचाइयों तक लेकर जाना। लेकिन जो माओ जेलोंग थे उनके द्वारा ये जो दो स्कीमें थी ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाई, ये मार्केट में पिट गई, किसी भी रीज़न से जो है पिट गई। तो 1950 में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जैसा इन्होंने सोचा था, बट क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, इसी वजह से तो इन्हें फाउंडर बनाया गया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, बट उतना नहीं हुआ जितना इन्होंने सोचा था। क्या होता है कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद जो इनके सक्सेसर आते हैं, इनकी डेथ के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद एक सक्सेसर आते हैं। अब वो सक्सेसर कौन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम था डिंग जियोपिंग। ये बहुत ही अच्छे मतलब फिलोसोफर माने गए मतलब चाइना के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को अडॉप्ट किया चाइना में, इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के कल्चर को अडॉप्ट किया। और आप जानते हो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या चल रहा था, कैपिटलिज्म चल रहा था और कुछ जगहों पर सोशलिज्म चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो सोशलिज्म की तकनीक भी अपनाऊंगा और मैं कैपिटलिज्म की भी तकनीक अपनाऊंगा। और वहीं से इन्वेंशन क्या हुआ, मार्केट सोशलिज्म का, वहीं से इन्वेंशन किसकी हुई, मार्केट सोशलिज्म की हुई। मतलब देखो अभी जो मैंने आपको बताया मार्केट सोशलिज्म के बारे में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चाइना की सरकारों ने इस मार्केट सोशलिज्म को क्या क्या अडॉप्ट किया। ठीक है, और जानते हो इन्होंने जो रिफॉर्म किया सन, जैसे 1950 की बात करें, इन्होंने ये रिफॉर्म किया सन 1985 के अंदर, 1985 में चाइना के अंदर जो रिफॉर्म है जिसके वजह से चाइना का जो ग्राफ है ना वो मैं आपको बताऊँ इस तरीके से बढ़ने लगा, ये देखो इस तरीके से बढ़ने लगा। और यही रिफॉर्म हमने स्टार्ट किए थे 1991 के अंदर, सेम चीज़ हमने भी स्टार्ट की लेकिन कब किया, 1991 के अंदर किया। आपने एलपीजी वाली पॉलिसी पढ़ी है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ी है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिफॉर्म हमारे इंडिया में कब आए, सन 1991 में आए, 1991 के अंदर आए। तो बताओ आपको चाइना का सिस्टम समझ आया, तो चाइना ने कौन सी पॉलिसी अपनाई, मार्केट सोशलिज्म की अपनाई। अब बात उठती है कि मार्केट सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल चीज़ें क्या है, सेम है। तो यानी यहां से एक चीज़ समझ आई कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो कोई ऐसी वैसी इकोनॉमी नहीं है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का जो बोलबाला है ना सन 1930 के बाद से वो बढ़ लगा था, जीएम केनीस के द्वारा बनाई गई। क्या होता है, ये जो मैं पांच पॉइंट अब आपको दिखा रहा हूं, ये पांच पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पांचों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करेंगे और ध्यान से देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, देखो सबसे पहले पॉइंट के अंदर आप मेरी केस स्टडी को सुनोगे, उसके बाद इस पॉइंट को देखोगे क्या लिखा हुआ। ठीक है, पहले केस स्टडी सुनो। हमारे यहां पर आपको याद है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था कोई बताएगा, मैं बता दूं 1912 से लेकर कहा जाता है 1914 तक चला। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इकोनॉमी तो भाई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत बची थी हम खड़े हो पाए, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तभी क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया जो लगभग 1944 तक चला। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अब बड़ी बड़ी कंट्रीज ये डिसाइड करने में लग गई कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी तो डाउनफॉल में आ गई, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, तो बात ये उठी कि अब हम कौन सी इकोनॉमी की तरफ जाएं, हम सोशलिज्म को अपनाएं, हम कैपिटलिज्म को अपनाएं या क्या करें। और तभी जो है जीएम केनीज ने किसको इंट्रोड्यूस किया, मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, मिक्स्ड इकोनॉमी के। और मैनी कंट्रीज, ऐसी कई सारी कंट्रीज
कंट्रीज थी जिसने इसको जो है एक्सेप्ट किया और अपनी कंट्रीज में क्रांतिकारी चीजें लानी शुरू की। तो वही लिखा है मिक्स्ड इकोनॉमी जो कंट्रीज हैं वो कब से स्टार्ट हुई, तो वही लिखा है पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंट्रीज डिसाइड टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद कई सारी जो इकोनॉमीज हैं उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नंबर टू, अब आप जानते हो जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, तो ब्रिटेन का झंडा तो आपको पता ही होगा कुछ इस तरीके से बनता है, तो शायद आपको अच्छे से याद आ जाए कि हाँ भाई मैं किसकी बात करूँ, क्योंकि कभी कभी जब तक हमें झंडा ना बनाए ना दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ये इधर ब्लैक, ये ब्लैक, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस झंडे को बनाने के बाद कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो ब्रिटेन था ये क्या कर रहा था, ये बहुत ही अच्छी इकोनॉमी था, ये अपनी कॉलोनीज बना रहा था। कॉलोनीज का मतलब होता है दूसरे की इकोनॉमी पर कब्जा करके अपना राज चलाना। आप समझ गए होंगे इंडिया ने सन 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1947 से लगभग 200 साल तक ब्रिटेन की कॉलोनी बनी रही। तो ब्रिटेन ने ऐसी कई सारी इकोनॉमी को कॉलोनीज बनाया था, जैसे आपके इंडिया हो गई, मलेशिया हो गई, इंडोनेशिया हो गई। तो जब इनको हमने आज़ाद किया, जब इनको आज़ाद किया, जैसे भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो जब आज़ाद हुआ तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो ये डिसाइड करने में कन्फ्यूज़ हुई कि हम कौन सी इकोनॉमी को एक्सेप्ट करें। आई बात समझे, तब कंसेप्ट आया मिक्स्ड इकोनॉमी का। नंबर थ्री, 1990 में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया अगर आप अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहते हो, पटरियों पे लाना चाहते हो, तो किसको अपनाओ, किसको अपनाओ, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाओ। किसने बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला, और वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा हाइब्रिड सिस्टम जो है ना जिसमें दोनों इकोनॉमी का मिक्सचर पाया जाता है, दैट सिस्टम इज़ वेरी मच एफिशिएंट, बहुत ही बढ़िया है। और तभी IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये कहने लगे कि देखो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाओ। हम क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए बोल रहे हैं, क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि कुछ जगहों पर गवर्नमेंट का रोल होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साफ साफ बोला कि गवर्नमेंट का रोल होना बहुत ज़रूरी, लेकिन 100% नहीं, बट हाँ एटलीस्ट 50-10% जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पूरी तरह से कैपिटलाइज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये हाइब्रिड सिस्टम कहाँ मिला, मिक्स्ड इकोनॉमी में मिला। तो अल्टीमेटली इस लाइन के अंदर जब आप पढ़ोगे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक आस्क गवर्नमेंट टू मेक देयर टेरिटरीज इंटरवेंशन, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी। तो अल्टीमेटली वो किसके ओर फोकस कर रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर फोकस कर रहे हैं। और तभी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में, और उन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम इज द बेस्ट फॉर द कंट्री। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट है। हाइब्रिड सिस्टम बोले तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो सबसे बेस्ट सिस्टम है। आई बात समझे, मैं चाहता ये टॉपिक आपको पहले भी करा सकता था पिछली क्लास के अंदर, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें करा था, आज की क्लास में प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कराई। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो बन ही गया होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या बना होगा कि कौन सी इकॉनमी हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको बता दूँ, प्रोफेसर जेम केनिस के द्वारा दी गई मिक्स्ड इकॉनमी को सबसे ज़्यादा बेहतर इकॉनमी का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें दोनों के फीचर पाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो आज का टॉपिक मेरा बस यही था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि कौन सी इकॉनमी जो है वो बेटर होती है, और कौन सी इकॉनमी इंडिया ने और चाइना ने एक्सेप्ट की। एक्चुअली चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, और आज के में वर्ल्ड GDP के मामले में चाइना सेकंड नंबर पे आती है, तो इसलिए चाइना की केस स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ। दोस्तों आप ये जो सिंप्लीफाई नोट्स वर्जन देख रहे हो, अगर आप ये चाहते हो तो नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके जान सकते हैं कि आपको PDF फाइल्स की कैसे मिल सकती, क्योंकि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, देख लेना पूरी बुक को पढ़ने के लिए। मतलब आप ये चाहो कि मैं अकेले रमेश सिंह को पढ़ के काम चला लूँ, नहीं हो पाए, रमेश सिंह थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करता है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये शॉर्ट नोट्स बने, जब आप इनको पढ़ लो तो रमेश सिंह ने लिखी हुई सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।